सो दोस्तों फोटोस आपके इस वीडियो में हम आज फाइल मेनू के कुछ कमांड के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा कमांड है रिवर्ट, प्लेस और इंपोर्ट। ये कैसे काम करता है इसको आज हम सीखेंगे। सो दोस्तों देखते हैं कैसे हमारा रिवर्ट काम करता है। तो इसके लिए हमको कोई भी फाइल ले लेनी जो हमने पहले से बना के सेव की हुई हो। तो यहाँ से देखिए, हमने इस फाइल को बना के पहले सेव किया था, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब इसमें कोई भी अगर फॉर्मेटिंग हम करते हैं, यानी सेव या कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ से और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये सब हट जाए, तो हम यहाँ पे आने के बाद फाइल पे मेनू पे आएंगे और रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये हमारा रिवर्ट काम करता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हमारा पीडीएफ फाइल को ओपन करने का काम करता है। जैसे कोई पीडीएफ इमेज है, उसको आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से उस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो तुरंत वो पीडीएफ की फाइल का आपका लोकेशन दिखा के उसको ओपन कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैसे वो काम करता है हमारा नेक्स्ट कमांड। इसके बाद हमारा यहाँ पे है इनोटेशन। इनोटेशन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देखिएगा कैसे इनोटेशन काम करता है। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू पेज लेना पड़ेगा और न्यू पेज लेने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स पे आ जाना है और यहाँ से नोट्स टूल्स लगाना है। इसका काम क्या है उसको हम आपको समझाते हैं, कैसे नोट्स टूल कैसे काम करता है, इनोटेशन कैसे काम करता है। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑडियो इनोटेशन टूल्स को अलाउ करके और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे ये आपके वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद आप जिसको भी भेजेंगे ये वॉइस उसको वहाँ पे सुनाई देगी और ये जो टेक्स्ट है उसको सामने दिखाई देगी। ये किस लिए किया जाता है आपको बताते हैं। जैसे कोई भी आपका पर्सन है और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है टेक्स्ट जरिए और वॉइस के जरिए भेजना चाहता है, तो इनोटेशन का यूज करके वो आपको भेजेगा। तो आपको जो टेक्स्ट वहाँ यहाँ पे दिख रहा है वो आप पहले से वहाँ राइट करके भेजेगा, तो आप उस टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं और जो वॉइस वो बोला रहेगा आप उसको सुन सकते हो। तो वो कैसे होगा इसको देखते हैं। इस यहाँ से हम स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप होने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करना है और एक कोई भी नेम दे देना है। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम इसको पीडीएफ में सेव करें। हम पीडीएफ में सेव करेंगे तभी ये दिखाई देगा, नहीं तो ये काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको पीडीएफ की फाइल को सेलेक्ट कर लेना है कि पीडीएफ में हमारा ये जो फाइल बन रही है वो पीडीएफ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ से पहले लोकेशन दे देंगे। लोकेशन देने के बाद यहाँ से हम पीडीएफ फाइल को चूज़ करेंगे और देखेंगे पीडीएफ फाइल है हमारी कहाँ। देखिए यहाँ पे है फोटोशॉप पीडीएफ, पीडीएफ यहाँ पे क्लिक कर लेना है और हमने डेस्कटॉप पे लोकेशन दिया था और यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर अदर आप कहीं भी पीडीएफ नहीं सेव करते हो तो ये आपका जो इनोटेशन है वो नहीं काम करेगा। तो यहाँ से ओपन करके यहाँ से हमको क्लोज कर लेना है। और क्लोज करने के बाद जैसे वो पर्सन हमारे पास भेज दिया है, अब हमको उसको ओपन करना है। तो यहाँ से फिर से जाना है यहाँ पे न्यू पे और एक पेज ब्लैंक ले लेना है। उसके बाद आपको आना है इम्पोर्ट पे और इनोटेशन पे। और यहाँ पे इनोटेशन पे आने के बाद आपको उसी फाइल को ढूंढ लेना है। जब आप उसको अच्छे से सेव किए रहोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सेव किया है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लोड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये इनोटेशन आ जाएगा। बस यहाँ क्लिक करते हैं, हमारा ये वॉइस ऑन हो गया और वो सुनाई भी दे रहा है और ये जो टेक्स्ट है वो भी दिख रहा है। सो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड यहाँ पे है इम्पोर्ट में WIA सपोर्ट। WIA सपोर्ट कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। ये हमारा प्रिंटर से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है। अगर आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पे वैसे दिखेगा, बट यहाँ पे आपको VIA सपोर्ट भी दिखेगा। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। जैसे आपको स्कैन करके भी दिखाते हैं कैसे ये हमारा वर्क कर रहा है। तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आपको प्रिंटर को अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करके रखना है कि जैसे ही यहाँ डॉक्यूमेंट रखा जाए तुरंत वो प्रिंट करना चालू कर दे। सो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ प्रिंटर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, VWIA सपोर्ट को यूज करने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रखेंगे और स्कैन करके देखेंगे कि वाकई में ये स्कैन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमने इसको रख दिया और इसको यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब आप चले जाएंगे मॉनिटर पे और यहाँ से और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे फाइल मेनू पे और यहाँ से हम इम्पोर्ट पे और WIA सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत ये हमारा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के आया हुआ है। आप इसमें आके इसको ओके करिएगा। फिर आपको यहाँ पे
बन के आएगा, आपको फिर यहाँ से स्कैन पे क्लिक कर लेना है, तो आपका ये पूरा पूरा ये स्कैन करना चालू कर देगा। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमने जो डॉक्यूमेंट रखा था वो हमारा स्कैन होके आ चुका है। यदि आपके पास लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सको, तो फोटोशॉप सबसे बेस्ट वर्जन है, आप उससे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको स्कैन कर लिया, आप इसको जो भी करना है, क्रॉप करना है, कट करना है, आप कैसे भी यहाँ पे उसको कट पिट कर सकते हो। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने जो भी बताया आपको प्रूफ के साथ बताया। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।